हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम 100% नेचुरल और इफ़ेक्टिव पोटैटो क्रीम बनाएंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आलू हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये हमारी स्किन पर से किसी भी तरीके के एक्ने स्कार्स, डार्क स्पॉट्स, सन टैन और यहाँ तक कि हाइपर पिगमेंटेशन को रिमूव करता है। साथ ही ये हमारे डार्क पैचेस और डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम को दूर कर हमारे स्किन टोन को भी इवन बनाता है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, इसलिए ये हमारे फाइन लाइंस और रिंकल्स को भी रिड्यूस करता है। और ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप इस क्रीम को रेगुलर बेसिस पर यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन एकदम क्रिस्टल क्लियर, स्पॉटलेस और बहुत ही ज़्यादा रेडिएंट हो जाएगी। तो आइए इस मैजिकल क्रीम को बनाना शुरू करते हैं। पोटैटो क्रीम बनाने के लिए मैंने एक आलू ले लिया है। तो सबसे पहले हम एक पिलर की हेल्प से इसके छिलके को अलग निकाल लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने आलू के छिलके को अलग निकाल दिया है। तो अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें आलू के इस तरह छोटे छोटे पीस करेंगे। तो बेसिकली हमें यह आलू का जूस निकालना है। आप चाहें तो इसे ग्रेट करके भी इसका जूस निकाल सकते हैं, पर क्योंकि इसे ग्राइंड करने से जूस बहुत ही इजीली निकल जाता है तो इसलिए मैं इसे ग्राइंड कर रही हूँ। तो बस अब हम जार का ढक्कन लगाएंगे और इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने आलू को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो अब हम एक बोल लेंगे और एक स्ट्रेनर की हेल्प से आलू के जूस को छान लेंगे। तो यहाँ मैंने आलू के जूस को छानकर बोल में अलग निकाल लिया है और ये क्वांटिटी में लगभग 2 चम्मच के करीब है। आलू में नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये हमारी स्किन को नेचुरली लाइटन और ब्राइटन बनाता है। ये हमारी ड्राई, डल, फ्लेकी स्किन को डीप मॉइस्चराइज करता है। ये हमारी सन डैमेज स्किन को रिपेयर करता है और साथ ही हमारी स्किन पर से किसी भी तरीके के डार्क स्पॉट्स और यहाँ तक कि हाइपर पिगमेंटेशन को भी बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देता है। प्लस ये हमारे साइंस ऑफ एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर हमारी स्किन को बहुत ही यूथफुल भी बनाता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें ये 1 चम्मच शहद यानी कि हनी ऐड करेंगे। शहद में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये हमारी स्किन को किसी भी तरीके के इन्फेक्शन होने से बचाता है और साथ ही स्किन को डीप मॉइस्चराइज कर बहुत ही सॉफ्ट और सपल भी बनाता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें एक विटामिन ई ऑयल का कैप्सूल ऐड करेंगे। विटामिन ई ऑयल हमारी स्किन पर ग्लो लाता है, प्लस इसके रेगुलर यूज से हमारी डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम भी एकदम दूर हो जाती है। नेक्स्ट, अब हम इसमें ये 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। एलोवेरा जेल में कूलिंग और सूदिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये हमारी स्किन को यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है और साथ ही हमारी स्किन को हाइड्रेट कर बहुत ही सॉफ्ट और सपल भी बनाता है। और अब हम लास्ट में इसमें 7-8 ड्रॉप ट्री ट्री एसेंशियल ऑयल के ऐड करेंगे। ट्री ट्री एसेंशियल ऑयल में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये हमारे एक्ने और पिंपल्स को तो क्योर करता ही है, साथ ही स्किन को किसी भी तरीके के इन्फेक्शन होने से भी बचाता है। तो यहाँ मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं क्रीम की कंसिस्टेंसी कितनी स्मूथ बनी है। तो ये हमारी पोटैटो क्रीम बनकर एकदम तैयार है। तो अब हम इस तरह कोई भी कांच का या फिर प्लास्टिक का एयरटाइट कंटेनर ले लेंगे और इसमें क्रीम को स्टोर करेंगे। आप इस क्रीम को फ्रिज में रखकर 15 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए, मैंने क्रीम को कंटेनर में फिल कर लिया है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको कब और कैसे अप्लाई करना है। तो इस क्रीम को अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कि आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें। क्रीम लें और इसे अपने फेस पर इस तरह सर्कुलर मोशन में 2 से 3 मिनट अच्छे से मसाज करें, या फिर जब तक मसाज करें जब तक कि आपकी स्किन में अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं हो जाती। आप इस क्रीम को एज अ डे क्रीम, नाइट क्रीम या फिर आप चाहें तो इसे एज अ सनस्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। पर मेक श्योर कि अगर आप इस क्रीम के 100% इफेक्टिव रिजल्ट्स पाना चाहते हैं तो आप इसे डेली बेसिस पर ज़रूर यूज़ करें। और इसके रेगुलर यूज से आप लगभग 1 ही हफ्ते में देखेंगे कि आपकी स्किन पर से किसी भी तरीके के डार्क स्पॉट्स, सन टैन और यहाँ तक कि हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और साथ ही आपके डिस्कलरेशन और डार्क पैचेस की समस्या को दूर कर आपकी स्किन टोन को भी इवन बना देगी। तो आप भी इस क्रीम को एक बार ज़रूर बनाइएगा और इसका रेगुलर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि ये कितनी इफेक्टिव है। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।